हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। राहुल गांधी और मोदी जी के भाषणों की मदद से कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को लगभग साकार कर चुकने के बाद बीजेपी ने तय किया है कि अब वो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ेगी। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अहिंसा के पुजारी अमित शाह भाई ने लगभग ऐलान करते हुए बताया कि मित्रों, हमारी पार्टी की संस्कृति शुरू से वसुधैव कुटुंबकम वाली रही है। चूंकि हमारी पार्टी भारत में अच्छे दिन ला चुकी है, इसलिए अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वसुधैव कुटुंबकम के तहत अब अमेरिका में भी अच्छे दिन आने चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी ने तय किया है कि अमेरिका में होने वाले अगले राष्ट्रपति चुनाव में हमारी पार्टी बीजेपी भी चुनाव लड़ेगी। अमित शाह के इस ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी की नींदें उड़ गई हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि जहां अमित भाई ने फीलिंग सेट कर दी, उसके बाद हर किसी का बोल्ड होना कन्फर्म होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अभी से अपने सांसद छिपा दिए हैं। उनका कहना है कि अमित भाव का कोई भरोसा नहीं, मूड बन गया तो अगले चुनाव का वेट भी नहीं करेंगे। बिहार की तरह कब 2 घंटे में तख्ता पलट दे, कोई भरोसा नहीं है। उधर जब से अडवाणी जी ने यह सुना है कि अमेरिका में अगला राष्ट्रपति बीजेपी का होगा, उन्होंने अपनी शेरवानी धोबी के यहाँ धुलने के लिए दे दिया है और सुबह उठकर 2 घंटे इंग्लिश में स्पीच देने का प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। वहीं ये भी खबर आ रही है कि अमित शाह ने अपने प्लानिंग पर काम भी स्टार्ट कर दिया है। मसलन, उन्होंने अंबानी को फ़ोन करके अमेरिका के सभी न्यूज़ चैनल में पैसा लगाने के लिए बोल दिया है और साथ ही अमेरिका की जनता से ये भी घोषणा कर दी है कि अगर उनकी सरकार अमेरिका में बनी तो वे वॉशिंगटन में जीसस का भव्य मंदिर बनवाएंगे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।